नमस्कार, आज हम बनाएंगे होटल से भी बढ़िया पौष्टिक चाउमीन। इसके लिए हमें चाहिए 2 छोटे नूडल के पैकेट, 2 नूडल, 2 छोटी लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हम बारीक काट लेंगे, 1 मीडियम प्याज, उसे भी पतला बारीक काट लेंगे। सब्जियों में हमें चाहिए फ्रेंच बीन्स आधा कटोरी, शिमला मिर्च आधा कटोरी, इसे बारीक काट लेंगे, पत्ता गोभी 2 कटोरी, इसे भी पतला लंबा काट लेंगे, और हमें चाहिए गाजर 1 कटोरी, इसे भी काट लेंगे। सॉसेस में चाहिए टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। तो सबसे पहले हम एक पतीले में पानी लेकर इसे उबालने रख देंगे। जब पानी उबल जाए तो हम इसमें नूडल्स डालने रख देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट से ज़्यादा पकाने पे ये गल जाते हैं, इसलिए हमें बस 2 मिनट तक इसे पकाना है। इसमें हम थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, जिससे वो जो है नूडल्स ये खिले खिले बनते हैं और आपस में चिपकते नहीं। देखिए, तो नूडल जब पक जाते हैं तब हम इसका जो है पानी निथार लेंगे। पानी निथार लेंगे और उसे ठंडे पानी में के नीचे थोड़ा सा चला लेंगे। इसके ऊपर से हम जब ठंडा पानी डालेंगे तब ये नूडल अलग अलग ही रहेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। यही सीक्रेट है एकदम खुले खुले नूडल बनाने का। अब हम कढ़ाई गरम करते हैं और इसमें हम डालेंगे तेल। तेल बहुत थोड़ा डालना है, इतनी कि सब्जियाँ पक जाएँ। और चाउमीन हमें बनाना है हाई फ्लेम पर। जब तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ प्याज। अदरक लहसुन आधे मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद में प्याज डालेंगे। प्याज हमें लगभग 1 मिनट तक हमें उसे सेकना है। तो जब ये प्याज थोड़े से भून जाए अब हम इसके बाद मिलाएंगे इसमें सब्जियां। हमें लगातार चलाते रहना है ताकि वो नीचे जले नहीं, क्योंकि हम हाई फ्लेम पर बना रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स आधा कटोरी और इसे हमें 1 मिनट तक चलाते रहना है। जब ये थोड़ी सी पकने लगे तब हम इसमें अब डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, वो भी आधा कटोरी है। तो ये हमने शिमला मिर्च मिला दी, इसे भी अच्छे से हम चलाते रहेंगे, करीब 1 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ गाजर जो कि 1 कटोरी है और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे।
ये देखिए बहुत ही अच्छे से गाजर भी पक गया। अब हम इस कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी हमें 1 मिनट तक पकाना है। सिलेंडर चलाते रहिए ताकि नीचे लगे भी नहीं, और हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना है। कच्ची पक्की सब्जियों का जो स्वाद आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें ना ज़्यादा इसे पकाना है ताकि ये एकदम ऐसे गिल गिली ना बने। तो हम मतलब हाई फ्लेम पर जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे और कम देर में हम पकाएंगे, इससे सब्जियाँ जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी सी बन जाती है। ये देखिए बहुत अच्छी हो गई है। अब हम इसमें सॉसेस मिलाएंगे। सबसे पहले ग्रीन सॉस, ग्रीन चिली सॉस, फिर हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस है 1/4 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 1/4 टेबल स्पून, सोया सॉस ये भी 1/4 टेबल स्पून, और विनेगर बहुत थोड़ा सा ये भी 1/4 टेबल स्पून ले लीजिए। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि सॉसेस जले नहीं, तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, ये सबसे ज़्यादा डलता है। तो अब हम टोमेटो सॉस डालेंगे। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। इसके बाद जो नूडल्स हैं जो हमने उबाल के रखे थे, इसे फोर्क ऐसा खुला खुला कर लीजिए और ये हम सब्जियों में मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर दिख रहा है, कलरफुल चाउमीन, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम फोर्क से अगर मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नूडल्स और सब्जियाँ आराम से मिल जाती है। तो दो हाथों में दो फोर्क लेकर हम ऊपर नीचे करें तो बहुत अच्छे से सब्जियाँ उसमें मिल जाती है। अभी मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है इसलिए एक ही हाथ से मैं कर रही थी। जो हमने सब्जियां काटी थी उसमें से थोड़ी सी बचा के रख लिया है तो वो हम इसमें अब मिलाएंगे। ये मिलाने से थोड़ा सा कच्चा पक्का स्वाद आता है, तो लास्ट में थोड़ी सी सब्जियां मिला देंगे और बस बहुत ही बढ़िया चाउमीन तैयार। ये देखिए पौष्टिक स्वादिष्ट, होटल से भी बढ़िया चाउमीन जो बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है। इसमें हमने अजीनोमोटो नहीं मिलाया है क्योंकि वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है, और बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। इस हमने तो इसमें नहीं मिलाया है, उससे ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप गर्मा गर्म बनाइए और परोसिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।